हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए स्लीपर का तीसरा पार्ट। अब हम इसे ज्वाइन कैसे करेंगे ये देखिए। ये हमारा जो ट्रायंगल वाला पीस था, इसको ये आपका ट्रायंगल वाला पीस का सेंटर है जहाँ से हमने ये फंदे तीन के एक करने शुरू हुए थे। और ये हमारी ये जो इसके साइड की जो है ये चीज़, ये पट्टी सी जो है ये बन के तैयार हो गया। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसका फ्रंट मतलब इसका ये जो बैक साइड है और इस पट्टी का बैक साइड दोनों एक तरफ रहेंगे। और ये ट्रायंगल हमने जहाँ से शुरू किया था, ये जो सेंटर पीस है इसका सेंटर, वहाँ से इस जगह पे ऐसे रखेंगे और इधर से दोनों को आप चाहें तो इसे सिलाई कर सकते हैं, लेकिन सिलाई करके इतनी फिनिशिंग नहीं आती। और ये देखिए यहाँ से इसका पट्टी चौड़ी कितनी होगी ये भी हम इसी तरह से नापते हैं। यहाँ ऐसे करके इस ट्रायंगल वाले पीस का ये वाला पोर्शन जितना होता है उतनी ही हमारी ये पट्टी होती है। और फिर दूसरी वाली पट्टी पे, दूसरे वाले साइड पे, इस वाले साइड से ये यहाँ से और यहाँ तक। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो दोनों ट्रायंगल का बैक साइड और ये पट्टी की बैक साइड दोनों ऐसे होगी। और ये ट्रायंगल का जो राइट साइड है आपके फेस की तरफ होगा और दूसरा इधर की तरफ होगा। इसको जैसे मेरे ये दोनों कलर डार्क हैं और ये वाइट वाला थोड़ा लाइट है वाइट, तो इन दोनों में इस उसी कलर से जिससे थोड़ा आपका ये इन्हेंस हो जाए, उभर के आए, तो मैंने ये वाइट कलर से इसे क्रोशिया से जोड़ना है। मैंने इसे क्रोशिया लिया और यहाँ जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ से हमने डिक्रीज करना शुरू, अरे सॉरी इंक्रीज, हाँ डिक्रीज ही किया था, तीन का एक किया था। तो जो आपका सेंटर है वहाँ पे ऐसे हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ जहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट किए थे इस जगह से, और इसमें हम हुक से ऐसे करके ये शुरू कर लेंगे। ये दोनों का सेंटर हमने दम किनारे से ये ले लेंगे और हर ये ऐसे कर लिया और यहाँ पे ये एक हम ऐसे चेन बना लेंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। कि ये वाली चीज़ ये आपको दिख रही होगी, ये वाला ऐसे चेन हमें बनाना है। इसका ये ऐसे दिखेगा, ये वाला पोर्शन ऐसे दिखेगा। जो इसमें से जिस कलर से आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट से बनाया है क्योंकि ये दोनों डार्क हैं तो वाइट से उभर के थोड़ा सा आएगा। फिर हमें सेम नेक्स्ट जगह से जो ये देखिए यहाँ पर इसे घुसाना है एक दोनों पोर्शन को। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ होगा, तो ये क्रोशिया एक एक स्टिच ये दोनों ये ऐसे दो आए और ये इन दो का हमने एक कर दिया है। ये जो धागा है ये भी हम इसी में ऐसे कर देंगे जहाँ से हमने ज्वाइन किया था। फिर देखिए आपको क्लियर होगा, ये देखिए उसके नेक्स्ट वाला ये उसके नेक्स्ट वाला, हर जैसे ये दो एक कलर की दो स्ट्रिप्स हैं तो दो दो एक कलर में से दो दो बार हमें जैसे पर्पल के दो लिए, और ये वाला धागा भी हम इसी के साथ ऐसे लूप में ले आएंगे। ये देखिए दो हो गए और ये दो का एक, ये चेन सी बनती जा रही है और हमारा ये पीस ऐसे इधर से ज्वाइन होता जा रहा है। इसी तरह से करते हुए हम ये पूरा यहाँ तक इसको कवर कर लेंगे। आप फिर देखिए आप ऐसे करेंगे इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में, फिर इधर पीछे वाले पल्ले के एक इधर से हमने लिया है उसके इधर वाले में दोनों हो गए। फिर ये वाइट धागे को इन दोनों में से ऐसे निकालेंगे देखिए।
ऐसे निकाले, ये दो का एक, फिर यहाँ पे इसमें ये ऐसे निकाला और इसमें इसी को इसमें से निकाल लिया और ये दो का, ये दो का एक, ये हो गया। ये देख, ये देखिए ये हो गया दो का, पूरा दोनों पीस ज्वाइन हो गया। इसी तरह से करते हुए हम पूरा यहाँ जो ट्रायंगल का ये कॉर्नर है और इस पट्टी का जो कॉर्नर है, क्रोशे से दोनों पीस हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए ये चेन स्टिच सी आ गई और हमारा ये दोनों हिस्सा, ये इधर से देखिए ऐसे ये ज्वाइन हो गया, ट्रायंगल वाला पीस और ये पट्टी ज्वाइन हो गई। अब यहाँ से हम इसको, ये वाइट वाले को वो कर दे, बंद कर देंगे। इसमें एक अच्छी वो है कि आपको कहीं भी सुई का मतलब सिलाई नहीं करनी है, उसका यूज़ नहीं करना है। ये बाकी जो ज्वाइन करने थे वो हमने क्रोशे से कर लिए, सुई से मैंने करके देखा था लेकिन उतनी फिनिशिंग आई नहीं थी। अब हमको ये जो ट्रायंगल हमने एक तरफ जोड़ लिया, अब जो ये सेकेंड वाला पीस है, यहाँ से ये वाला मिड पॉइंट और ये यहाँ तक, इसको पट्टी का ये वाला कॉर्नर हमें यहाँ से जोड़ना है। तो इसके जोड़ने के लिए हमें ये सिलाई पर से फंदे उतारने पड़ेंगे, नहीं तो ये फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। बस ध्यान रखना है कि हमारे स्टिचेस मिसप्लेस ना हो, नीचे गिरे ना, कि ज़्यादा ही फिसल जाए। देखिए हम इस जगह से ऐसे लेंगे, ये हमारा ये वाला पोर्शन जो यहाँ से जहाँ से हमें पैर डालने वाला होता है, ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया और इन दोनों को हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये जो पट्टी है इसका, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ से, और ये ट्रायंगल वाले पोर्शन को यहाँ से, इसे हमें ऐसे ज्वाइन करना है। तरीका वही रहेगा, दोनों का राइट साइड, इस ट्रायंगल का राइट साइड आपके फेस की तरफ होगा और ये पट्टी का ट्रायंगल राइट साइड इधर की तरफ होगा, दोनों के बैक पोर्शन अंदर की तरफ होंगे। इसको भी हम वाइट कलर से ही ज्वाइन करेंगे, जो हमने ये वाला लिया था। और ये जो पर्पल है, जो फंदे हमने सिलाई से उतारे थे, उसको हम अलग रखेंगे और यहाँ से हम इसको हम इस तरफ से शुरू करेंगे, जहाँ से ये पट्टी की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से। और ये जो फंदे हमने उतारे, फंदे को अलग रखेंगे यहाँ से, इस जगह से। ये हमने ऐसे कर, जो दोनों पोर्शन ज्वाइन करके और इसको ऐसे एक एक चेन बना लेंगे, तो ये दोनों पीस यहाँ पे टाइटली क्लोज हो जाएंगे। फिर उसी तरह से जैसे ऐसे टाइट कर लेंगे, फिर वही जो हमने पहले किया था, एक एक स्टिच जैसे जस्ट ही जहाँ हमने इंसर्ट किया था उसके जस्ट बाद वाली ऐसे क्रोशिया हुक आपको घुसाना है, और इसके एक इधर से और एक इस पट्टी वाले पोर्शन से जो आपका डिज़ाइन जो डाला था, और ऐसे धागा लेके इन दोनों के बीच से मैं से निकाल लेंगे। और अगर ऐसे आपको मोटा लग रहा है तो पहले आप एक पल्ले में से ऐसे निकाल लें, पहले आप इसमें से निकालें और उसी को आप इधर से निकाल लें, मतलब हमें जोड़ना है दोनों को।
ये ऐसे लिया और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, और फिर इन दोनों को ऐसे चेन बना दिया, दो का एक कर दिया। फिर उसके जस्ट बाद वाला ये ऐसे और ये देखिए जो हमने धागे ये दिख रहा है, ये जो जो हमने धागे आगे बढ़ाए हैं उनको नहीं लेंगे, नहीं तो ये बाद में दिखाई देते हैं। जो हमारी स्टिचेज हैं ये इनको लेंगे, ये ऐसे दो का एक, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाले स्टिच और एक इधर से, ऐसे तो ये बहुत टाइट नहीं करेंगे नहीं तो श्रिंक सा हो जाएगा। देखिए ये जोड़ते हुए हमारी ये देखिए इधर से ऐसे और ये ऐसे चेन स्टिच सा बनता जाएगा। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से ऐसे लेते हुए हमें ये ट्राइंगल पीस और ये वाला पीस जोड़ देंगे तो ये हमारा पैर डालने वाला पोर्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया, ये पूरा यहाँ तक हमें जोड़ लेना है। ये देखिए ये वाला पोर्शन भी हमारा जुड़ गया, यहाँ से शुरू करके हमने यहाँ तक जोड़ लिया। अब हमको इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू, इसमें आप अलग से भी कंगूरे बना सकते हैं या कोई और चीज़ आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और इसी को मैंने यहाँ आगे कंटिन्यू किया ये इस तरह से। इस तरह से ऐसे ऐसे और ये पूरा यहाँ से एक एक स्टेज ऐसे यहाँ पे ऐसे वाइट वाले कलर से ऐसे हुक घुसाएंगे हर एक स्टेज में और ये ऐसे करते जाएंगे। एक में हो गया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में ऐसे, फिर उसके बाद वाले में ये ऐसे, और इसी तरह से ऐसे करते हुए पूरा हम ये पूरा यहाँ से शुरू करेंगे। जहाँ ये ट्रायंगल हमने जोड़ा उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ से ऐसे जोड़ते हुए यहाँ तक ले आएंगे और ये जॉइन कर देंगे। ये वाली चीज़ देखिए ये बनाई हमने, और फिर ये पोर्शन यहाँ से जोड़ा और इसी को इधर ले जाते हुए यहाँ से जोड़ा और ऐसे इसी को इधर ले जाते हुए ये यहाँ तक देख रहे होंगे ये आउटलाइन वाइट से बॉर्डर सा बन गया। अब हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था, यहाँ से जोड़ा देखिए आपको वाइट दिख रहा होगा, ये ऐसे जोड़ा इस जगह से मिड पॉइंट पे आए और यहाँ से ये चारों तरफ जोड़ते हुए ये वाइट से चेन बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया, ये ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इधर ऐसे दिखता है ये चेन इस तरह से, और यहाँ आते हुए फिर हम इस जगह से ऐसे घूम के फिर हम यहाँ आ गए, और यहाँ लास्ट में जब हम आ जाएंगे तो ये जो फर्स्ट वाली चेन है दोनों को स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ये वाला पोर्शन तैयार हो गया। अब ये हमारा हो गया, ये वाइट ऊन हम काट देंगे, और जब हम लास्ट में फिनिशिंग राउंड जब होगा तो इनको, इन जो छोटे छोटे धागे हैं इनको सुई में पिरो के और अंदर इनके बीच से ऐसे घुसाते हुए इन्हें सब छिपा देंगे। अभी देखिए हमारा ये पोर्शन तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये 11 फंदे थे जो हमने पहले स्टिच होल्डर पे उठा दिए थे और जो हमारे ये फंदे थे इन्हें हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। इन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि देखिए ये मेरे फंदे थोड़े नीचे खिसक गए, और आप कोशिश करिए कि जो ये सिलाई का ये जो पट्टी हम बना रहे हैं इसका लास्ट राउंड और ये जो है जो हम जो बेस कलर जैसे पर्पल से हमें ये तलवे बनाने हैं तो हमारी जो पट्टी का लास्ट राउंड हो वो उसी कलर का हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो तो जैसे देखिए आपको इस वाले पेयर में ये हल्के हल्के से ये ग्रीन धागे दिख रहे होंगे, तो अगर ये मैंने ये मेरा लास्ट वाला राउंड ग्रीन कलर से था इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, तो अगर तलवे वाले ही कलर से इस पट्टी का ये जो पट्टी का लास्ट राउंड होगा तो ये जो ग्रीन है ये नहीं दिखते हैं तो और भी फिनिश्ड आती है।
अब ये दो धागे हमारे स्लिप हो गए हैं, इन्हें हम सारे इस तरह से इसे सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ये पूरे धागे सिलाई पे चढ़ा लेंगे और इसको एक सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये जो हमने 11 फंदे पहले स्टिच होल्डर पे उतार रखे थे वहाँ पे हम आ गए, ये हिस्सा हमारा बनी गया। अब हम इसमें मैंने पर्पल धागा लगा लिया क्योंकि ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है हमें पर्पल बनाना है। ये नॉर्मली वैसे कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर डार्क कलर में अच्छा होता है क्योंकि पैर में स्लीपर्स, वो नंगे पैर भी आदमी चल देता है तो वो गंदे हो जाते हैं। फिर ये यहाँ पे मेरा ग्रीन है लेकिन मैं इसे पर्पल करूँगी, तो इसे सीधा बुनते हुए मैंने ये पर्पल ऊन जोड़ लिया है यहाँ पे, और इसे बुनते हुए सीधा ही बुनना है इसमें, तो सीधा बुनते हुए ये 11 फंदे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 10 फंदे हमने बुन लिए। ये 11वां हम बुनेंगे नहीं, हम इसी सिलाई पे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखिए हर कलर की ये दो दो स्ट्रिप्स हैं, तो हमें इधर से भी और इधर से भी हर बार फंदे उठाने हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि एक बराबर फंदे उठाने हैं। जैसे दो हमने इधर से ग्रीन से उठाया तो इधर भी ग्रीन से ही उठाना है, ऐसा नहीं कि इस तरफ मैंने ग्रीन से उठा लिया, इधर हमने एक जंपर जंप करके इधर वाइट से उठा लिया, तो वो ये वाला जो है ये ट्राइंगल, ये जो पैर में हम डालेंगे तो ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा आएगा, तो इसे इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें ये 11वां फंदा हमने बिना बुने उतार लिया था, अब हम इसी वाले से, क्योंकि हमें इधर ग्रीन से ही उठाना है, तो यहाँ से हम, आप दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं ऐसे, ये गले वाली सिलाई लगाना ठीक रहता है क्योंकि इसे मूव करने में आसानी रहती है और आप इसे आगे पीछे खिसका भी सकते हैं। ये हमने ये ऐसे उठा लिया पर्पल से और इधर ऐसे कर लिया, और अब ये जो ग्रीन वाला बिना बुना फंदा था, 11वां फंदा, उसको हमने इस सिलाई पर ले लिया और पीछे से सिलाई, हमेशा ये हम जो करेंगे ये सीधा, एक सीधी तरफ से घटेगा एक उल्टी तरफ से, और हर बार दोनों तरफ से एक एक फंदे उठाते हुए ये पूरा हिस्सा हमें यहाँ तक कवर करना है। और अब ये एंड तक हमें ये जो 11 फंदे हैं उन्हीं को लेके चलना है क्योंकि इससे ये वाला हिस्सा हम बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम ऐसे नहीं बुनेंगे, ये पीछे से सिलाई डालेंगे और ये ऐसे करके, ये ऐसा हम इसलिए करेंगे, आपने पहले भी कई बार देखा है, ये चोटी जो हमारी सी बन रही है, स्मूथ सी चोटी बनती आ रही है, ये बराबर देखिए ये बन रही है, इसके लिए हम ऐसा करेंगे। ये हमने एक फंदा यहाँ उठाया, दो का एक किया और ये फिर यहाँ हम पलट लेंगे। अब हम पलटने के बाद पहला फंदा इसे बिना बुने उतार लेंगे और बाकी तो हमें सीधे ही बुनने हैं, तो बाकी 10 फंदे देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम ये उल्टी तरफ है, रॉन्ग साइड पे है, तो उल्टा उल्टी तरफ भी हम ये एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे, और जो ये हमने, ये देखिए ऊन है जो हमने बदले हैं लाइन चेंज करने में, इससे फंदे हमें नहीं उठाने हैं क्योंकि अगर इससे उठाएंगे तो वो सीधी तरफ दिखाई देंगे। आपको याद होगा हमने इधर ग्रीन से फंदे उठाए थे, तो हमें इस तरफ भी ग्रीन वाले से ही फंदे उठाने हैं, जिससे बराबर बराबर फंदे उठाने हैं सेम कलर से, जिससे टेढ़ा ना हो, बस हमें इतना ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे करेंगे और एक फंदा हम उठा लेंगे ऐसे, ये जो हमारा ये वाला, आपको क्लियर होगा, ये वाला जो हिस्सा है जो ट्रायंगल का, ये वाला हिस्सा है, हमें दोनों तरफ इसी से फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा होल है, तो थोड़ा हम इधर साइड से उठा लेंगे और ये एक फंदा ये से उठा लिया और ये हम इसे सिलाई ला लेंगे, और जो ये 11वां फंदा इस सिलाई पे हमने बिना बुना उतारा था उसको भी, ये इस सिलाई का जो 11वां फंदा था उसको भी इधर ले लेंगे, ये टाइट करके, और ये उल्टी दो फंदे उल्टे एक साथ देंगे, एक बार सीधी तरफ घटेगा एक बार उल्टी तरफ, और दो का एक करेंगे किनारे में, हर तरफ से इधर से एक एक फंदे
यहाँ तक उठाएंगे। ऐसा करते हुए ये हमारा देखिए यहाँ तक हमने ये उठाते हुए बिना तो हमारा हाफ पोर्शन बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो पट्टी वाले फंदे हैं इनको आधे आधे कर लेंगे तो उनका भी यही प्रोसेस होगा, एक बार इस तरफ से एक बार उस तरफ से, एक एक फंदे लेते हुए दो का एक करते जाएंगे। ये दो का एक तब तक करेंगे यहाँ तक देखिए, यहाँ जब तक हमारी दोनों तरफ की सिलाइयों पे पांच पांच या चार चार फंदे ना बच जाएँ। अगर आपका पैर बड़ा है, आप ज़्यादा फंदा लेते हैं तो छः फंदे तक भी, दोनों तरफ जब छः छः फंदे बचे, देखिए हमने यहाँ तक घटाया है, उसके बाद जब हमारी सिलाई पे इस तरफ भी और इस तरफ भी पांच पांच फंदे बचे हैं तब हम अलग तरह से घटाएंगे। अलग अब सिर्फ हमें ये 11 फंदे ही लेके चलने हैं। अब ये देखिए हमने उल्टी तरफ दो का एक किया, पहला फंदा बिना बुने उतार दिया और फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये लास्ट वाला फंदा हम बिनेंगे नहीं, जब दोनों एक साथ बिनेंगे तभी बुनेंगे। अभी देखिए हमें नेक्स्ट वाली रो से, यहाँ से तो हम एक बार फंदा उठा चुके हैं, ये इस जगह से देखिए ये यहाँ से हम फंदे ऐसे दूसरी सिलाई भी लगा के उठा सकते हैं। देखिए अगर इस सिलाई से नहीं उठ रहा है तो हम ये दूसरी सिलाई लगा लेंगे ये यहाँ पे, ये इस जगह पे और ये ऐसे करके, जैसे नॉर्मल हम गले में फंदे उठाते हैं उस तरह से। ये देखिए एक फंदा उठ गया, अभी तो खिसका के सिलाई इधर ले आए और ये जो लास्ट वाला बिना बुना फंदा था उसको भी इस सिलाई पे ले लिया। और ये देखिए ये दो फंदे हो गए, दो दिख रहे होंगे। अब ये पीछे से ऐसे पीछे से दो का एक कर लिया। अब पीछे से दो का एक करने का बस एक ही पर्पज़ होता है कि चोटी सी लास्ट में जो एजेस हैं वो सही से बनते हैं। अब ये जो दो का एक किया था उल्टी तरफ इन्हें ऐसे ही कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे जिससे कि, और बाकी ये 10 फंदे ऐसे सीधे बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये 10, ये 11वां फंदा है। इसे बिना बुने उतारेंगे, इसे बिना बुने उतार लिए और अब इस साइड से ये धागे इधर बहुत हैं तो ज़रा सा फंदे उठाते समय हमें ध्यान देना होगा, इस जगह पे यहाँ से सिलाई घुसाएंगे और ये एक फंदा ये बना लिया और फिर ये बिना बुना वाला भी इसी सिलाई पे ले लिया ऐसे। टाइट कर लेंगे तो ये दो फंदे हैं, ये दो का एक कर देंगे, दो का एक कर लेंगे। फिर यही सेम प्रोसेस करते हुए सीधी तरफ आ जाएंगे, इसे ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, बाकी यहाँ तक हम बुनेंगे। एक बार और देख लीजिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये 10, ये 11वां फंदा हमने बिना बुना ही रखा। अब हम आपको मैंने पहले बताया, अब हमें यहाँ सफ़ेद वाले में से ये फंदे उठाने हैं, बराबर दोनों तरफ से हमें उठाने हैं। ये ऐसे किया और ये एक फंदा यहाँ से निकाल लिया, फिर ये सिलाई इधर ले आएंगे और इस वाले जो बिना बुना लास्ट वाला बिना बुना फंदा था उसको भी इस सिलाई पे लेके और ये देखिए पीछे से दो का एक कर देंगे, पीछे से दो का एक कर दिए। देखिए ये अभी छोटा है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है,
इस तरह से करते हुए हम दोनों तरफ से एक बार इधर से एक फंदा इधर से उठाएंगे, एक इधर से, फिर एक फंदा इधर से उठाएंगे, एक इधर से, ये बीच के 11 फंदे एज इट इज़ रहेंगे लास्ट तक। तो ये इस तरफ से उठाते हुए ये दोनों तरफ का हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा। ये इस तरह से ऐसे होता जाएगा और जब ये दोनों तरफ के हिस्से घटाते घटाते एकदम यहाँ तक हम आ जाएंगे, इधर पे यहाँ तक और इधर पे यहाँ तक, देखिए जैसे ये वाला, ये पूरा यहाँ से, ये यहाँ से, ये पूरा, तो इतना हिस्सा हमारा तलवे का बन जाएगा। फिर ये करने के बाद जो हमारे ये वाला फंदा है, जो हमारे ये फंदे हैं, इनको हम ये गले वाले डबल पॉइंटेड सिलाई पे, जो ये गले वाली सिलाइयाँ होती हैं उन पे, इन दोनों फंदों को हम आधा आधा कर लेंगे। जितने भी हमारे फंदे हैं ये आधा आधा कर लेंगे। आधा आधा सिर्फ इसलिए करेंगे कि ये ज़्यादा फंदे हैं तो मूव करने में प्रॉब्लम होती है। फिर हम इस तरह से करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। तो जैसे हम दोनों तरफ से कर रहे थे उसी तरह से एक बार इस तरफ का फंदा, एक बार इस तरफ का फंदा, दो का एक, दो का एक करते हुए ये हमारा पूरा हिस्सा ऐसे कवर हो जाएगा। चलिए तो हम बनाते हैं। एक इधर से उठाते जाएंगे, एक इधर से उठाएंगे और दो का एक, एक बार सीधी तरफ से, एक बार उल्टी तरफ से, ऐसे हम करते जाएंगे। बस ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने ऊन बदले हैं, ये जो धागे से दिख रहे हैं, इनसे हमें फंदे नहीं उठाने हैं, जो हमारा पीस है ट्राइंगल वाला उनसे फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से हम बनाते हुए पूरा हिस्सा कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 11 फंदे वाला जो पोर्शन था, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से उठाते हुए और दो का एक दोनों तरफ, एक बार सीधी तरफ से, एक बार उल्टी तरफ से, दो का एक करते हुए इतना पोर्शन हमारा बन गया। और अभी थोड़ा सा बाकी है इसमें। और ये जो पीछे के दोनों फंदे थे वो मैंने ये टू पॉइंटेड दो गले वाली सिलाई होती है उस पर हमने हाफ हाफ कर लिया, जिससे ये वाला पोर्शन घुमाने में आसानी रहती है। और जब थोड़े से कम हो जाए फंदे तो आप इन सिलाइयों को कम भी कर सकते हैं। और ऐसे ही से देखिए अभी, अब हम यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, अगर आप वो शुरू में थोड़ा सा छोटा सा था, ये देखिए चेन यहाँ पे चेन सी बन रही है, इधर से भी चेन सी बन रही है और ये उल्ट हम रॉन्ग साइड में हैं। और उल्ट पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया और बीच के फंदे हम सीधे बिनेंगे। ये कुल 11 फंदे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 फंदे हमने उतारे। अब उनको हम आगे कर लेंगे क्योंकि ये हमारे उल्टी तरफ है और लास्ट वाला 11वां फंदा हम बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये सारे जो ये ऊन हैं इन्हें हम बाद में, जो बच्चे स्क्रैप हैं इसे बाद में वो करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें फंदे उठाने हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा होल है तो थोड़ा सा हम नीचे से फंदे उठा लेंगे। ये देखिए उल्टी तरफ हम उल्टी डायरेक्शन में फंदे उठाएंगे, सीधी तरफ सीधी डायरेक्शन में। ये ऐसे करके ऐसे हमने फंदा उठाया और इसको दूसरी सिलाई में ले लिया। और जो ये 11वां वाला बिना बुना फंदा था उसको भी इसी सिलाई पे ले लिया और इन दो फंदों को और टाइट कर लेंगे, दो का एक कर दिए। फिर सिलाई को हम टर्न करेंगे और ये जो दो का एक किया था उसे ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसे फंदे को उतार लेंगे और बाकी 10 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 10वां 11वां वाला फंदा हम बिना बुने ही रखेंगे। अब हम देखिए उधर हमने उल्टी डायरेक्शन में फंदे उठाए थे तो इधर हम सीधी डायरेक्शन में उठाएंगे। उधर भी हमने पर्पल रो से उठाए थे और इधर भी हमें पर्पल रो से फंदे उठाने हैं। ये एक फंदा हमने उठाया और जो उठाया फंदा था उसको दूसरी सिलाई में लिया और ये जो बिना बुना वाला 11वां फंदा था इसे भी, दो फंदे दिख रहे हैं सिलाई पे। अब इन दोनों फंदों को पीछे से, ये देखिए पीछे से ऐसे दो का एक कर दिया, ये हमारी चोटी बन गई। इस तरह से हम यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ ये हमारा ट्रायंगल, जहाँ से हमने ये क्रोशिए वाला बनाया था पहले, ये इस जगह तक हम ये दो का एक करते हुए, ठीक है, यहाँ से हमने ये क्रोशिए वाली चेन शुरू की थी
तो यहाँ तक हम पूरा ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर जैसे हम ये दो का एक एक इस तरफ से एक इस तरफ से लेके कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमें फंदे उठाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फंदे ऑलरेडी हैं, ये दो पोर्शन में हमने कर रखे हैं। तो जब ये वाला पूरा पोर्शन जहाँ क्रोशिए का शुरू किया था हमने, यहाँ तक जब कवर अप हो जाएगा, तो जो फंदे हम उठा रहे थे वो हमें उठाने नहीं हैं, क्योंकि वो पोर्शन तो फिनिश हो गया। और जो ये इस सिलाई पे फंदे हैं, तो जितनी बार हम आएंगे तो ये फंदे एज इट इज 11 ही रहेंगे, इधर का 11वां और एक फंदा इधर का, दो का एक करेंगे, फिर घूम के आएंगे उल्टी साइड में, एक तरफ सीधी तरफ, एक तरफ एक बार उल्टी तरफ। जब हम घूम के आएंगे तो यहाँ एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का, दो का एक उल्टा बुनेंगे। इस तरह से करते करते हम पूरा सिलाई कवर कर लेंगे। और जब यहाँ दोनों सिलाइयों पे हमारे पास देखिए 1 2 3 4 और इधर 4 इधर 5, दोनों तरफ जब हमारे पास 5 5 फंदे हो जाएंगे, ये 5 और ये 5, जब हमारे पास सारे फंदे घट जाएंगे और ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5 5 फंदे जब बचेंगे, फिर हम लास्ट में ये देखिए यहाँ तक हमारा जब हो जाएगा और दोनों तरफ 5 5 फंदे बचेंगे, तो हम फिर देखेंगे कि कैसे करते हैं। और ये जो पंजा है, नॉर्मली इतना पंजा सफिशियंट है, लेकिन आपको लगता है आपका पंजा ज़्यादा चौड़ा है, तो आप जो हमने यहाँ से 23 23 फंदे से शुरू किया था, मतलब 47 फंदे, तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे आप फंदे अपने अकॉर्डिंग, अपने पैर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस मेथड यही रहेगा कि इसी तरह से ट्रायंगल बनाना है, इसी तरह से ये पीस बनाना है, और आप इसी तरह से करते करते जब दोनों तरफ 5 5 फंदे बचें तब आप रुकेंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया दोनों तरफ से। हम जहाँ से शुरू हुए क्रोशिए का हमने बनाया था चेन, हम दोनों तरफ यहाँ तक आ गए। अब हमें फंदे जो हम साइडों से उठा रहे थे वो वाला पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया। अब हमने यहाँ लास्ट वाला उतार लिया 11वां फंदा, और ये दोनों तरफ के जो फंदे हैं, हर बार एक बार इस तरफ से एक बार इस तरफ से लेते हुए देखिए, जैसे अभी उल्टे बार हम हैं, तो ये दो का एक करेंगे, वही प्रोसेस होगा। बस उस बार फंदे हम उठा रहे थे, ये इस बार हमें सलाइयों से लेने हैं। पहला वाला तो ऐसे बिना बुने उतारेंगे, और बीच के वो जो 10 फंदे हैं वो हम सीधे बुन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 11वां फंदा हमने ऐसे रखा, और ये अब हम इस सिलाई से, ये हमने 3 सिलाई पे फंदे इसीलिए किए थे कि देखिए अब ये घुमाने में प्रॉब्लम होगी, तो ये हम जो तीसरा एक फंदा हमारा मेरा ये स्लिप कर गया था, इसलिए आपको वाइट दिख रहा होगा। और फिर ये जो बिना बुना वाला फंदा हमने 11वां वाला छोड़ा था, उसको भी इस सिलाई पे ले लेंगे, सिलाई खिसका लेंगे नहीं फंदे गिर जाएंगे। ये 3 मेरा एक स्लिप वाला फंदा इसलिए है, लेकिन नॉर्मली ये एक इस सिलाई का और एक इस सिलाई का, दो ही फंदे होते हैं। ये दो का एक हो गया। अब इसको सिलाई को घुमा लेंगे, और ये जो बीच के 11 फंदे हैं जो ये वाले, हम उन्हीं को बनाएंगे। पहला फंदा जो हमने बुना था वो तो उतार लेंगे, और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये हमारा 11वां फंदा है। उनको आगे करेंगे, और एक बार उल्टे एक बार सीधी तरफ घटेगा, ये एक इस सिलाई का फंदा, एक 11वां वाला फंदा, सेंटर वाला जो 11वां फंदा है, और इन दो फंदों को हम ये एक कर देंगे। फिर हम यहीं से टर्न हो जाएंगे, पहला वाला ऐसे उतार लेंगे, 2
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये 10 और एक 11वां फंदा, 11वां फंदा और एक इस सिलाई वाला, और इन दोनों को ये 2 फंदे, ये 2 का ये 2 लिए और ये 2 का 1 2 फंदे पीछे से सिलाई डाल के, तो ये 2 का 1 किया। फिर यहीं से हम पलट जाएंगे और इसी तरह से ये 10 बिन के एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से लेते हुए हम जब यहाँ पे 5 और इस सिलाई में 5-5 फंदे तक बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा बनाते हुए ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखिए पूरा पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। ये अब ये बीच के तो 11 फंदे एज इट इज़ हैं और आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे इधर, 5 फंदे इधर, दोनों सिलाइयों पे मेरे 5 फंदे हैं। और अब हम सीधी तरफ से ये हम करते हुए राइट साइड पे आ गए। अब हमें क्या करना है, जब 5 फंदे, ये 11 फंदे तो एज इट इज़ हैं, आपने यहाँ देख रहे होंगे इस वाले में कि अब थोड़ा सा ये स्लैंट हो, मतलब ये इस तरह से ये शेप आ रहा है, एड़ी वाला जो होता है हमारा एंकल, उसका शेप आ रहा है। तो यहाँ तक हमने नॉर्मल बिना हर दोनों तरफ से एक एक फंदे लेते हुए और बीच का 11 फंदा एज इट इज़ रहा। अब यहाँ से थोड़ी सी हमें ये चीज़ देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये एड़ी की शेपिंग करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप 6 फंदे भी दोनों सिलाइयों पे छोड़ सकते हैं, या आपके ज़्यादा कम हैं तो उसी अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो पहला फंदा और ये और एक ये, अभी तक हम 2 फंदे का एक कर रहे थे, अब यहाँ पे हम ये 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अभी नहीं, सॉरी, ये तो हम एज इट इज ये जैसे उतारते थे बिना बुने वैसे उतार लेंगे। और बाकी देखिए आप, ये बीच के जो हैं हम सीधे बिनेंगे। ये सीधे बिन रहे थे हम, अभी तक हमारे लिए 1 फंदे थे, लेकिन अब हमें 2 फंदे ये बीच वाले जो 11 फंदे थे, 2 फंदे वो और 1 फंदे ये इस सिलाई वाला जो हमने 5 छोड़े थे, तो ये 3 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे। एक एक ये बीच वाला, टोटल हमारे ये 2 और एक ये इधर वाला, ये 3 फंदे जो हो गए हमारे, पीछे से सिलाई डाल के 3 का हम एक फंदा, टाइट रहता है तो ये 3 का हमने एक कर दिया, 3 का एक कर दिया। फिर हम इसे पलट लेंगे और पहला फंदा ऐसे ही रख लेंगे और बाकी बीच के सीधे, मतलब अब ये है कि उल्टे तरफ 3 का एक उल्टा करेंगे और सीधे की तरफ
ये देखिए दो फंदे इस सिलाई पे छोड़े और एक फंदा जो इधर हमने ये पांच छोड़े थे उनमें से, तो एक और एक ये दो, दो तो ये हो गए और एक इधर वाला ले लिया, ये तीन, तीन फंदों का ये ऐसे उल्टा, तीन फंदे उल्टे एक साथ बुन देंगे और इधर टाइट भी करते जाएंगे जिससे उधर होल ना बने। फिर ऊन पीछे कर लेंगे, बीच के फिर सीधे, ये देखिए एक दो और एक इधर का, ये तीन का एक सीधा बुन दिया। फिर इसी तरह से ये अंत में बीच के हमारे एक फंदा बचेगा, ये तीन का एक करते करते लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, दो तीन चार पाँच दो ये हो गए, और एक इधर वाला, तो एक दो ये दो फंदे एक इस वाले को ले लिया, ये हमारे पास हो गए तीन, ये तीन का एक कर दिया। फिर हम इधर आ जाए, साइड वाले फंदे हम किनारे टाइट भी करते जाएंगे नहीं तो ये आगे की तरफ फिर होल से हो जाते हैं। ये दो फंदे इधर बीच वाले और एक फंदा इधर का, ये तीन का, तीन का एक, एक फंदा उतारा, दो तीन, तो ये देखिए दो हम यहाँ पे ऐसे बना बचा लेंगे, ये कई सिलाइयों में थोड़ा, दो ये वाले हो गए और एक इस वाली सिलाई का, ये हमारा रॉन्ग साइड है इसलिए तीन का एक उल्टा हो जाएगा। अब इस सिलाई पे हमारे पास टोटल देखिए एक फंदा बचा है, इसको उतार लिया, ये देखिए तीन का एक करते हुए हमारे पास लास्ट में ये तीन फंदे बचे हैं, तो इन तीन फंदों को भी ये थोड़ा नुकीली सिलाई लेके और ये पीछे से तीन का एक कर देंगे। तीन का एक करने में थोड़ा टाइट रहता है तो थोड़ा ढीला कर ले ऐसे, ये देखिए तीन का एक करके हमने ये ख़त्म कर दिया। अब आप इस धागे को तोड़ दीजिए, आपकी ये पूरी बनके कंप्लीट हो गई। अब आप इसे सुई में पिरो के थोड़ा सा अंदर इस तरफ से ऐसे देखिए अंदर की तरफ सिल लेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा शेपिंग कर देंगे तो ये यहाँ पे ऐसे गोलाई सी आ जाएगी। ये आपकी स्लीपर बनके हमारे तैयार हो गए।
अब आपको बस उल्टी तरफ इसकी सिलाई करके जितने सिरे हैं सबको दबा के फिनिश कर देना है। आपका स्लीपर तैयार। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बन के बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे बनाएं तो पेज इंडियन निटर नाम से एफबी पे पेज भी है, उस पर शेयर करें और एक दूसरे को इंस्पायर करें कि नए सजेशंस के साथ कि हम और क्या नया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अपने सजेशन देते रहें प्लीज़। इससे हमें आगे और करने के अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।